वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने का तरीका, इससे स्किन पे टैनिंग और स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कैसे करना है इस वीडियो में कम्प्लीटली दिखाऊंगी। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होने के साथ ही साथ मानसून सीजन में आपका स्किन को क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग बना सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इसके लिए एक बॉल में सैंडलवुड पाउडर, मैं यहाँ पे एक टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ। इसको आप फेस पे और हैंड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून राइस फ्लोर चावल का आटा, हाफ टेबल स्पून तुलसी लीव्स पाउडर, थ्री पाउडर्स को अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप चाहिए तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसको शावर करने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं ओवरऑल बॉडी पे, और फेस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिल्क या वाटर, रोज़ वाटर या नॉर्मल पानी या दही, जो भी आपका घर में अवेलेबल है, जो भी आपका स्किन को सूट होगा वो ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, फेस पे बॉडी पे लगा सकते हैं। इसको मैं फेस और हैंड्स पे लगाऊंगी और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट मिल्क, ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके स्किन को इवन आउट करना है, ब्राइटनिंग करना है, तो आप कोकोनट मिल्क या नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। ये पैक आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन टोन को बढ़ा देता है और इस मानसून में आपका स्किन को ऊपर एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करके आपका स्किन को क्लीन, क्लियर, इवन आउट बना देता है। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होने के साथ ही साथ आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट बन जाता है। इसको मैं हैंड्स पे ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, क्लीन हैंड्स पे अप्लाई करना है। अगर आप बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है तो क्लीन बॉडी पे अप्लाई कीजिए, तभी आपको डबल इफेक्ट मिलेगा। इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा और हैंड्स के, पैरों के, बॉडी का कालापन को हटाना है तो ये बेस्ट पैक है। कोकोनट मिल्क आपका स्किन को नॉरिशिंग करता है, हेल्दी बना देता है। आपका स्किन के एजिंग की वजह से रिंकल्स, फाइन लाइंस को हटा के स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, आपका स्किन को क्लीन, क्लियर और ब्राइट बना देता है। अगर आपको सन टैनिंग की प्रॉब्लम है उसको भी हटा देता है और सन टैनिंग पिगमेंटेशन भी दूर होगा, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा। इसको 15-20 मिनट तक अप्लाई करके स्किन को वॉश करना है नॉर्मल पानी से। अगर आप इसको फेस पे अप्लाई करना है तो क्लीन फेस पे आप यूज़ कीजिए। फेस को फेस वॉश या क्लेंजर से क्लीनली वॉश करके इसके बाद क्लीन फेस पे इसको अप्लाई करना है। अंडर एरिया छोड़ के पूरा फेस पे अप्लाई कीजिए। अंडर एरिया सेंसिटिव होता है तो उस एरिया छोड़ के पूरा फेस पे अप्लाई कीजिए। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 100% सेफ, इफेक्टिव है स्किन के लिए। इसको अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको एवरीडे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर यूज़ कीजिए। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस भी दूर होगा, आपका स्किन क्लीन, क्लियर और इवन आउट होता है। इस मानसून सीजन में ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम भी कम होगी, आपका स्किन क्लीन, क्लियर और बेबी सॉफ्ट हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।